नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। रायबरेली में अवैध शराब बनाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भारी मात्रा में रायबरेली के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के जखीरे भी पकड़े जा चुके हैं। एक बार फिर रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के जखीरे के साथ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रायबरेली के सरेनी पुलिस व सर्विलांस टीम ने तखतखेड़ा गांव में 29 अदद प्लास्टिक केन के लगभग 1450 लीटर अवैध शराब बनाने के अल्कोहल बरामद किया और साथ ही मौके से 3 अभियुक्तों को शैलेंद्र सिंह व राम गिरीश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास की है। कितने लीटर शराब पकड़ी गई? पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में एसओजी टीम और थाना सरेनी को ये सटीक सूचना मिली थी कि एक फार्म हाउस में अपमिश्रित शराब का धंधा किया जा रहा है। इस सूचना पर जब छापेमारी की गई तो थाना सरेनी के एक फार्म हाउस से 29 बैरल अपमिश्रित शराब रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद हुई। इसके साथ ही साथ वहाँ फार्म हाउस के 2 लोग और एक और व्यक्ति जो कि इसका सप्लाई का काम करता था, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट ये फतेहपुर में कहीं एक स्थान से मंगाते थे और उसमें पानी मिलाकर, 3 हिस्सों में पानी मिलाकर उसे रेगुलर शराब बनाकर बोतल में पैक करके बेचते थे। इस रेक्टिफाइड शराब की कुल कीमत लगभग 4.5 लाख है मार्केट वैल्यू, और यदि इसमें पानी मिलाकर या शराब बनाकर बेचते तो इसकी कीमत लगभग 13-13.5 लाख के करीब की होती। इन 3 को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।